एसएससी सीएचएसएल 2022 जीके और जीएस से जुड़े सेट टू के 24 मई 2022 का आफ्टरनून शिफ्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, डॉक्टर सुनंदा नायर को एक कलाकार, शिक्षक और प्रस्तावक के रूप में पहचाना जाता है। तो सही उत्तर है मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर दो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति रॉय द्वारा नई लिखी गई है? तो ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन दो एन ऑर्डिनरी पर्सनल गाइड टू एम्पायर, ऑप्शन थ्री प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस, ऑप्शन चार द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो सही उत्तर ऑप्शन डी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्वेश्चन नंबर तीन, किसने नवंबर 2021 में डीबीटी स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया? तो सही उत्तर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर चार, आइसोपेटेन जिसे कहा जाता है एक साखित श्रृंखला संतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसका रासायनिक सूत्र C5H12 है। तो ये 2- मिथाइलेन ब्यूटेन है जिसे आइसोपेटेन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर पाँच, कौन से देश 1 से 17 जुलाई 2022 तक संयुक्त रूप से HIF महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन करेंगे? तो ये स्पेन और नीदरलैंड है। ऑप्शन सिक्स, किसने कबड्डी में अर्जुन पुरस्कार 2021 प्राप्त किया? तो संदीप नरवाल ने। क्वेश्चन नंबर सात, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गोपाल प्रसाद दुबे को किस नृत्य में उनके योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया? तो ये छऊ नृत्य के लिए। क्वेश्चन नंबर आठ, आवर्त सारणी में सोडियम कहाँ स्थित होता है? तो यह बाई तरफ होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाल ही में भारत के बड़े कस्बों और शहरों में तेजी से डाक पहुंचाने की सुविधा के लिए कुछ मेल चैनल शुरू किए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन से ईमेल चैनल का हिस्सा नहीं है? तो ऑप्शन ए राजधानी चैनल, ऑप्शन दो ग्रीन चैनल, ऑप्शन तीन स्टेट चैनल, ऑप्शन फोर मेट्रो चैनल। तो यह मेट्रो चैनल। क्वेश्चन नंबर दस, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर के लिए ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन हैं? तो ये हैं ए आर रहमान जिन्होंने ऑस्कर पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर ग्यारह, नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। तो ये जो चित्र है जिसको कहते हैं भाला फेंक। क्वेश्चन नंबर बारह, आवर्त सारणी में अधातुओं का स्थान क्या है? तो दाएं तरफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर तेरह, कौन भारत सरकार द्वारा पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सबसे कम उम्र के तालवादक है? तो जाकिर हुसैन। क्वेश्चन नंबर चौदह, किस कोशिका सिद्धांत ने सिद्ध किया कि वसा की अर्धद्रव्य प्रकृति समग्र द्विपरत के भीतर प्रोटीन के पार्श्व संतुलन को समक्ष बनाती है? तो द्रव्य मोज़ेक मॉडल। क्वेश्चन नंबर पंद्रह, एम्पियर के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो ये सही कथन है, एक कूलम आवेश प्रति सेकंड के प्रवाह से एक एम्पियर बनाता है। क्वेश्चन नंबर सोलह, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा के सब उपसभापति। क्वेश्चन नंबर सत्रह, शमशाद बेगम हिंदी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन करने वाली पहली महिलाओं में से एक को वर्ष 2009 में हिंदी फिल्म संगीत में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ओपिनियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय
संगीतकारों में से किसे सबसे पहले भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तुम्मदुरई, षणमुखावधिवु, सुब्बलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 19। स्वास्थ्य मंत्री ने फरवरी 2022 में सबसे बड़े वैश्विक टीकाकरण अभियान के गहन संस्करण 4.0 को फिर से लॉन्च किया गया। करोड़ों गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कवर करने वाले इस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन इंद्रधनुष। क्वेश्चन नंबर 20। मराठी लेखकों में से कौन आत्मकथा मज्जा जलमाची चित्रकथा के लेखक थे? तो शांताबाई कृष्णाजी कांबले। क्वेश्चन नंबर 21। आमतौर पर किसी आर्थिक सूचकांक में वर्षों की श्रृंखला के किस वर्ष का आधार वर्ष कहा जाता है? तो पहले वर्ष को। क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन दो अरुण, ऑप्शन थ्री बृहस्पति, ऑप्शन फोर वरुण या नेपच्यून। तो ऑप्शन डी वरुण या नेपच्यून। क्वेश्चन नंबर 23। मीनाक्षी श्रीनिवासन को किस नृत्य शैली के लिए 2011 में उस्ताद बिस्मिल्ला खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 24। श्री षणमुखानंद राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पुरस्कार कब प्रस्तावित किया गया? तो 2002 में। क्वेश्चन नंबर 25। 1997 के बुकर पुरस्कार की विजेता द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किस भारतीय लेखक का पहला उपन्यास है? तो यह है अरुंधति रॉय का।